झांसी के पंचायती रामलीला ग्राउंड में देर रात दो संस्थाओं ने मिलकर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इन संस्थाओं में अग्रोगा विकास ट्रस्ट झांसी एवं जेसीआई स्टार झांसी के कार्यकर्ताओं ने या पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सबसे बड़ा फैशन शो हुआ। इस फैशन शो में तमाम पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनकी फैमिली ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विजेताओं को इनाम भी दिया गया। इसके साथ ही यहां पे गेम भी हुई जिसमें न्यू कपल्स ने भाग लिया। काफ़ी सारी गेमें ऐसी थी जिनको पूरा करना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन सभी भागीदारों ने इस गेम को बखूबी से निभाया। इसके बाद कार्यक्रम में नाच गाने का भी कार्यक्रम हुआ। वह शहर के पत्रकारों पर फूल बरसाकर उनके साथ फूलों की होली भी खेली गई। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में आपसी भावना पैदा करना था, इसी के चलते इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अग्रोगा विकास ट्रस्ट के झांसी युवा अध्यक्ष विनय जैन ने बताया कि वो चाहते हैं कि हर संस्था उनकी तरह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे ताकि समाज में आपसी भाईचारा बरकरार रहे। सर, आज ये प्रोग्राम हमारे यहाँ अग्रोगा विकास ट्रस्ट वे जेसीआई स्टार के द्वारा मिलकर किया गया है। अभी हमारी 15 दिन पहले राजेश बंसल जी के बेटे की विवाह में हम लोगों की मीटिंग हुई थी और हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि दो संस्थाएं मिलकर शहर के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम करेगी। तो इसमें हमने होली मिलन समारोह का प्रोग्राम किया और यहाँ पर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अपना कपल्स को भी गेम्स खिलाए गए और अभी गेम चल रहे हैं और आपने देखा होगा रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमने मतलब स्टेज पे कपल्स को बुला के कैटवॉक भी करवाया और अभी प्रोग्राम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। विनय जी, एक बात यहाँ पे जानना चाहेंगे, दो संस्था मिलकर काम कर रही हैं, इससे क्या संदेश अब समाज में जाएगा? सर, समाज में ये संदेश है कि हम लोग एक हैं और मैं तो चाहता हूँ सर और भी संस्थाएं मिलें और प्रोग्राम इससे भी बड़ा करें। मतलब हम ये नहीं चाहते कि एक संस्था दो संस्थाएं और आगे आएं और मिलकर प्रोग्राम करें और इससे भी बड़ा प्रोग्राम करें और अगला प्रोग्राम इससे भी बड़ा करने की मतलब वो है। वहीं जेसीआई स्टार के प्रधान विजय गोयल ने बताया कि वो तो हमेशा से ही जनता की भलाई के काम करते आ रहे हैं। उनकी संस्था लगातार निरंतर गरीब कन्याओं की शादियां करवाती हैं और भी सामाजिक कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम से हम संदेश देना चाहते हैं कि आपसी भाईचारा कायम रखे और पानी का कम यूज करके फूलों की होली खेलें। जेसीआई स्टार की तरफ से और अग्रोगा विकास ट्रस्ट की तरफ से दोनों संस्थाओं ने मिलकर ये फूलों की होली खेलने का प्रोग्राम बनाया है और इसके अंदर फिर बच्चों की गेम तंबोला और कपल गेम और ये डांस वगैरह बच्चों के जातियाँ वगैरह निकाली गई हैं। और इस बहाने दोनों संस्थाओं के जो मेंबर हैं वो तो मीटिंगों के अंदर मिलते जुलते रहते हैं और आज हमने ये प्रोग्राम बनाया कि दोनों संस्थाओं ने मिलकर कि इस बहाने हमारी लेडीज भी आपस में एक दूसरे के संपर्क में जान पहचान हो सके। संदेश दे रहे हैं कि कम से कम पानी खराब करें और केमिकल रंगों का प्रयोग ना करें और नशे का सेवन ना करें और फूलों की होली खेलें, रंग गुलाल से होली खेलें और किसी को कोई भी नुकसान ना हो, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। जेसीआई झांसी स्टार के प्रेस प्रवक्ता सतीश वर्मा ने कार्यक्रम में बताया कि इस कार्यक्रम से एक अच्छा संदेश लोगों में जाएगा और आपसी भाईचारा भी कायम होगा। उन्होंने कहा कि इस होली पर आपसी प्रेम बना के रखें, आपसी भाईचारा बना के रखें और सामूहिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े रहें।
सर क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के, काफी रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पे दिख रहा चलता हुआ। सर सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। जैसे कि हमारे प्रधान जी विजय गोयल जी ने बताया कि ये कार्यक्रम अग्रवा विकास ट्रस्ट और जेसीआई हांसी स्टार की ओर से सेलिब्रेट किया जा रहा है सामूहिक रूप से। और जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बताया कि ये कार्यक्रम का आयोजन जो है छोटे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और परिवार मिलन समारोह का जो है ये कार्यक्रम किया गया है, ताकि आपस में विचारों का आदान प्रदान हो सके। उसके साथ जो है तरह तरह की गेम रखी गई है और इस गेम से बच्चे और महिला इतनी उत्साहित हैं, आप अभी देख भी रहे थे, जैसे मान लें उनके अंदर उनका बचपन जो है वो याद आ रहा था। तो खूब जो है महिलाएं और बच्चे इसके अंदर इंजॉय कर रहे हैं।